दोस्तों विद्या बालन और प्रतीक गांधी की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म की जल्दी शूटिंग हो रही है शुरू। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वेब सीरीज कैंप से लोकप्रिय हुए अभिनेता प्रतीक गांधी जल्दी बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसमें प्रतीक गांधी और विद्या बालन के बीच रोमांस देखने को मिलेगा। शीशा गुहा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की कहानी दो जोड़ों के इर्द गिर्द घूमती है और अब मेकर्स ने इस फिल्म का नाम भी फाइनल कर लिया है। खबरों की माने तो विद्या और प्रतीक की इस फिल्म का नाम लवर्स रखा गया है और इसकी शूटिंग भी जल्द शुरू होने वाली है। इस फिल्म को मुंबई और तमिलनाडु के कुन्नूर में बड़े पैमाने पर शूट किया जाएगा। मेकर्स फिलहाल शूटिंग की डेट्स फाइनल कर रहे हैं। इस फिल्म को कथित तौर पर एलिप्सिस एंटरटेनमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि यह फिल्म दो जोड़ों की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जहां मेकर्स ने विद्या और प्रतीक के रूप में एक जोड़ी को फाइनल कर लिया है, वहीं दूसरी जोड़ी के लिए अभी स्टार्स की तलाश की जा रही है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के माध्यम से सामाजिक पितृसत्ता को चुनौती देने वाली कहानी कहा जा रहा है, जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक बनाने का प्रयास नहीं किया गया। विद्या इन दिनों शेफाली शाह के साथ सुरेश त्रिवेदी की फिल्म की शूटिंग कर रही है, वहीं प्रतीक भवाई फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। यह फिल्म 1 अक्टूबर को रिलीज होगी। तो दोस्तों ये था एक अपडेट विद्या और प्रतीक की फिल्म लवर्स को लेकर जिसकी शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।